हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सीवीटी 24 एग्जामिनेशन को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को बता दूं कि काफी लंबे टाइम बाद मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं और अब आप सभी को रेगुलर इस चैनल पे सीवीटी के साथ साथ जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या फिर जो हमारा आईसर एग्जामिनेशन होता है जिसको मेजरली फोकस करते हैं, इन सबकी अपडेट A to Z और इसके अलावा प्रिपरेशन, इम्पॉर्टेंट बुक्स या फिर हमारा जो स्ट्रेटजी होना चाहिए क्या होना चाहिए, इन सब के लिए जल्दी आप सभी को इस चैनल पे वीडियो मिलने वाली है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी 24 एग्जामिनेशन की अपडेट्स को लेकर। देखो, आपको मैंने पहले बता रखा था कि नाउ आईकार एग्जामिनेशन कंप्लीटली मर्ज विद सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। तो जो भी अब आपका आईसर का एग्जामिनेशन होता आ रहा था वो अब पिछले साल से सीयूटी के साथ ही मर्ज हो गया है। तो भाई, काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे हमें फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म कब से आएगा, एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग इतना जानते हैं कि फॉर्म कब आ जाएगा और हमारा एग्जामिनेशन कब होगा और कैसे होगा। देखो, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। पिछले साल आप सभी को पता होगा आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में हुआ था। इस साल आप सभी के एग्जामिनेशन सीयूटी के हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड इन द सेंस कि आप सभी को ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन हो सकता है और रजिस्ट्रेशन आप सभी की आफ्टर 20 फरवरी कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आपको लिंक पता होगा cvt.samarth.ac.in, इस वेबसाइट पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते स्टार्ट हो जाएंगे और अगर आप लोग एग्रीकल्चरल कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर एग्रीकल्चर के अलावा जो उनके एलियार्ड पार्ट्स होते हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सभी को सीयूटी का ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इंडिया में जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर हैं जो आईसीआर कोटे के थ्रू एडमिशन देते हैं, इन सारे कॉलेज में एडमिशन सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे ही होगा। करना क्या है, आप सभी को फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपको अपने फॉर्म में अलग से आईसीआर को एज अ यूनिवर्सिटी ऐड करनी है। अगर आप इतना प्रोसेस करते हो तो आप इन फ्यूचर आईसीआर काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि जैसे फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप सभी को अपने फॉर्म में आईसीआर को ऐड करना है। फिलहाल में आप इतना समझो कि आपका जो कम्प्लीटली फोकस होना चाहिए वो अपने प्रिपरेशन पे होना चाहिए। एग्जामिनेशन जल्दी हमारे अप्रैल मई मंथ में हो सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद यहाँ पे वीडियो बन रही है, आपके सामने मिल रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिछले 4 सालों से एग्री अपडेट्स में हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती आ रही है। तो जो भी बच्चों को डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आफ्टर 20 फेब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले। टेंटेटिव जो हमारी एग्जामिनेशन की डेट होने वाली है वो अप्रैल लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक में होने वाला है। बाकी इसके अलावा अगर बच्चों किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे आप सभी को एक एक सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन पे हमारा अप्लीकेशन डेट वगैरह सब कुछ वो रेगुलर आपको वीडियो के थ्रू पता चलता रहेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ प्रिपेयर रहें, डेली आप सभी को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।